बीआरओ सीमा सड़क संगठन एवं भारतीय सैनिक के जवान बाइक राइड करते हुए आज गोरुबथान पहुंचे। 20,000 किलोमीटर पूरा करने के उद्देश्य से अपनी इस यात्रा में निकले जवान लोगों ने प्रत्येक जगह पहुंचकर सर्वसाधारण के साथ मुलाकात करते हुए रोड सेफ्टी के संबंध में उनको जानकारी देते हुए उनको जागरूक किया। इसी तरह अपनी यात्रा के क्रम में भूतपूर्व सैनिक वृद्धाश्रम तथा सर्वसाधारण के साथ उनके भला कुशल पूछने के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि विगत 14 अगस्त से शुरू हुए इस बाइक राइड में भारत के विभिन्न प्रांत घूमते हुए यहां यह दस्ता आ पहुंचा है। इस दौरान इस दस्ते ने अब तक 5,000 किलोमीटर की दूरी भी पार कर ली है। आज कालिम्पोंग के लाभा के रास्ते होते हुए दिन के लगभग 2 बजे के आसपास गोरुबथान आ पहुंचे इन जवानों ने यहां पे कुछ क्षण लोगों के साथ बिताकर उनकी जानकारी ली एवं उनको रोड सेफ्टी के लिए भी प्रेरित किया एवं जागरूकता प्रदान किया। महेश्वर प्रधान की यह खास खबर गोरुबथान से। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। तो उसके उसमें हमारी एक बाइक रैली निकल रही है। ये बाइक रैली में टोटल 20,000 किलोमीटर पूरे इंडिया को हम कवर करेंगे। नॉर्थ में लद्दाख से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक पूरी 75 दिन की ये है, जिसमें 75 बाइकर्स होंगे और 20,000 किलोमीटर की पूरी दूरी तय की जाएगी। इस दूरी में दो थीम है हमारे, एक मिलिट्री थीम है और एक सोशल थीम है। सोशल थीम के अंतर्गत हम लोग रोड सेफ्टी कैंपेन कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और बच्चों को आज़ादी का महत्व तो क्या है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो एक छोटा सा गिफ्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बेटे के लिए है। एक्सपीडिशन हमारे डीजी श्री राजीव चौधरी के मार्गदर्शन में दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, जिसकी हरी झंडी हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिखाई थी। वहाँ से ये बाइक एक्सपीडिशन अभी आपके शहर में पहुंचा हुआ है। ये टोटल प्रोग्राम हमारा जो है वो पूरे इंडिया का 20,000 किलोमीटर का चक्कर हम 75 दिन में 75 बाइकर्स के द्वारा लगाया जाएगा। इसके अंतर्गत हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की दो थीमें हैं, एक मिलिट्री थीम और एक सोशल थीम। सोशल थीम के अंतर्गत हम पूरे इंडिया में लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं और लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करना, बच्चों को, क्योंकि हमारा ये आज़ादी का 75वां वर्षगांठ चल रही है, तो बच्चों को आज़ादी का महत्व बताना, इस तरह की थीमों पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यूथ को बॉर्डर रोड से ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के लिए भी हम काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इसके साथ हम ओल्ड एज होमों में जाके जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिलना, उनके मेडिकल की स्थिति पूछना, उनको ज़रूरी दवाएं मुहैया कराना, इस तरह का काम भी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीर नारियाँ हैं और एक्स सर्विस मैन हैं उनसे भी हम मिल रहे हैं और उनका भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। जी, रोड सेफ्टी के लिए क्या है, हम अपना एक पूरा कैंपेन कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इंडिया में मैक्सिमम जो हमारी डेथ होती है वो रोड सेफ्टी में क्या होता है कि एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है। इसलिए हम रोडों पे जाके लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी स्पीडों को हमेशा नियमों के अनुसार चलाएं, हेलमेट पहने, अगर आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहने, सीट बेल्ट पहन के ही चले, ताकि जो ये रोड एक्सीडेंट है वो धीरे धीरे कम से कम हो सके। और हमारी आशा है कि आगे आने वाले समय में ये रोड एक्सीडेंट हम जीरो के करीब ला सकें। सर, ये कब से शुरू हुआ है ये आपका जो ये कैंपेन? जी, ये कैंपेन हमारा स्टार्ट हुआ था 14 तारीख से। जी, 14 अगस्त से माननीय श्री रक्षा मंत्री के उसमें उन्होंने झंडा दिखा के दिल्ली से इसको रवाना किया था। जी, दिल्ली से लेके अभी तक दिल्ली से लेके अभी तक हम टोटल 5,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। इसमें दिल्ली से हमारा पहला लेग वन लद्दाख में गया था, लद्दाख से फिर हम श्रीनगर होते हुए फिर यूपी के बिहार, लखनऊ, ये सब होते हुए सिलीगुड़ी आए, सिलीगुड़ी से हमारा ये जो लेग स्टार्ट हुआ ये नाथुला तक गया, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना तक, वहाँ से हम होके कालिम्पोंग और आज कालिम्पोंग से हाशिमारा की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम रात हाशिमारा में रुकेंगे और नेक्स्ट डे हम हाशिमारा से गुवाहाटी, फिर उसके अगले दिन तेजपुर, ऐसा करते हुए धूमधुमा तक जाएंगे, फिर कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से हम अगले उसमें सूरत और सूरत से फिर हम दिल्ली तक वापस जाएंगे। जी, धन्यवाद।